हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे महात्मा गांधी पर निबंध। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। हम उन्हें प्यार से बापू पुकारते हैं। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। सभी स्कूलों और शासकीय संस्थानों में 2 अक्टूबर को इनकी जयंती मनाई जाती है। उन्हीं के प्रेरणा से हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हुआ। गांधी जी के पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। वह धार्मिक विचारों वाली थी। उन्होंने हमेशा सत्य और अहिंसा के लिए आंदोलन चलाए। गांधी जी वकालत की शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भी गए थे। वहाँ से लौटने के बाद उन्होंने बम्बई में वकालत शुरू की। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। एक बार गांधी जी मुकदमे की पैरवी के लिए दक्षिण अफ्रीका भी गए थे। वह अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर अत्याचार देख बहुत दुखी हुए। उन्होंने दांडी यात्रा भी की। गांधी जी की 30 जनवरी को प्रार्थना सभा में नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी। महात्मा गांधी की समाधि राजघाट दिल्ली पर बनी हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोगों को किसी और टॉपिक पे ऐसे चाहिए एग्ज़ाम पर्पज़ से या किसी भी पर्पज़ से, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं ज़रूर अपनी तरफ से कोशिश करूँगी उस टॉपिक पे ऐसे देने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।